तो गाइस ये आइटम थी जो मैं लेके आया था, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चूहा पालने में क्या, वाइट कलर का है, बादाम शेक और सॉफ्टी बना रहे हैं। चाउमीन, चाउमीन खा के लगी है। थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, मैं कुछ काम वाम करने लगा था। तो अभी डिनर में मिली है येलो तहरी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ऐसे धूमधड़ाके से जो है मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को देखा है, वो ऐसे घूम फिर के धूम धड़ाका मचा के नाच कूद के जो है ना व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं लर्निंग पीरियड में हूँ, तो फिलहाल व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में एक व्लॉग मैंने एडिट किया, उसको डाल दिया था, और अभी क्या है कि शहरील की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो अभी शहरील नाइट ड्यूटी से आ गई है। मैंने फटाफट चाय बनाई है और नीचे गया था, नीचे से मैं एक अल्टीमेट चीज़ लेके आया हूँ अरुष के लिए। वो उस पर लिखा है दुबई के कुछ आइटम है वो, तो वो लेके आया हूँ। और अरुष देखो यहाँ दिखा रहा है। तो फिलहाल अभी टाइम हो गया, लगभग 10 बज गए हैं, चाय बन गई है, बन के तैयार हो गई। फिलहाल चाय पीते हैं, दुबई वाली आइटम खाते हैं और इस ब्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है अरुष, और क्या प्लान रहेगा हमारा आज का? आज का हाँ, आज का होता है। तो भाई आज फ्राइडे भी है ना, तो आज हमें शाम को चर्च भी जाना है। उससे पहले अगर मार्केट कुछ करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना अरुष? हाँ। अभी अरुष नहाया धोया कुछ नहीं है, और अभी जस्ट उठाया, नहाया धोया तो मैं भी नहीं हूँ, बस ब्रश किया है, थोड़ा मुंह पे पानी मार लिया था, और अभी फिलहाल चलते हैं चाय पीते हैं दूसरे कमरे में। तो गाइस ये आइटम थी जो मैं लेके आया था, इसके ऊपर लिखा हुआ है दुबई का सिंगार, और ये मात्र 5 रुपए की है, और इसे खा के शहरील को और आरुष को आ रहा है बड़ा मजा। ये देखो नाइस, देखो ये छोटे छोटे से आइटम है, ये इनको खा के बड़ा मजा आ रहा है इन्हें। तो गाइस आ गई हमारी चाय, और ये है हमारे दुबई का सिंगार, जिसमें कुछ टॉफी भी निकली है। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, और उसमें भी कुछ लेके आया मैं, वो उठाओ, उसमें भी है कुछ कुछ, जल्दी उठाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। क्या है ये? उसमें और भी है, वो है फैन, बचपन में हम फैन खाते थे। हाँ, और उसमें छोटे एक वो भी है, मट्ठी भी है, मट्ठी बंद भी है। हाँ सब एक साथ खा लेंगे। देखो शहरील बच्चे की तरह लगी पड़ी है खाने में, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बंद, हाँ बंद खोलो, मैं बंद खाऊंगा, खोलो। क्या बता रहे हो आप, दोबारा बताओ। पीयूष खाते पूरा मैगी, पहले उसकी पत्ती बांटते हैं, तब उसको खोलते हैं, तब देखते हैं अरे इतनी मैगी क्यों भर के लेके आए हैं, तो ये तो मैगी की बारात हो गई है, खिलौनी बोलता है। और उसने जो है ना पैकेट फाड़ दिया, आपने पूरा पैकेट। अब इसमें कुछ मक्खन वक्खन तो लगाओ, ऐसी खाओ, ऐसी खाऊं मैं आरुष? आपके यहाँ बंद मक्खन मिलता है? तो आरुष ने यहाँ पर लगा दिया दुकान, अभी अपनी दुकान से सब कुछ बेच रहा है। और कुछ समय के बाद आपको चाउमीन के दर्शन देखने को मिले, आरुष की डिमांड के ऊपर पूरी प्लेट भरी हुई थी, अब देखो कितनी सी रह गई। आपको अच्छी लगती है चाउमीन, मगर ज़्यादा नहीं खाते बेटा ये, ठीक है? और इधर शहरील जो है सो के उठ चुकी है, पेट में चूहे कूद रहे थे। कुछ शांत हुआ, चूहा शांत हुआ। प्रभजोत ने चूहा पाला है वाइट कलर का। तो चूहा पालने में क्या, वाइट कलर का है आरुष, हम पाले चूहा। तो गई चाउमीन खाने के बाद ना थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, मैं कुछ काम वाम करने लगा था, जिसकी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बज गए हैं, और अभी हमें इवनिंग चर्च में आना था, तो फिलहाल हम अभी चर्च में आए हैं, चर्च अटेंड करते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। आरुष को यहाँ पर आते ही लग गई प्यास, तुमने क्या खाया जो तुम्हें प्यास लगी है? चाउमीन, चाउमीन खा के लगी है ते अंदर। But what was the response of Jesus? लेकिन यीशु का प्रतिउत्तर क्या था उसके लिए? He lifts her up.
कि उसने उसको उठाया उसके उस क्षेत्र से and he says, daughter, और कहा बेटी sin no more. और पाप मत करो. गाइस ये चर्च जो है अभी फिनिश हो गया है और अभी डिनर एक्चुअली यहाँ पर फ्राइडे को डिनर मिलता है तो अभी डिनर में मिली है येलो तहरी और है रायता और आरुष को लग रही थी भूख. आपको भूख लग रही थी? तो गाइस अभी आरुष ने बोला कि मेरे को बादाम शेक पीना है आरुष और शैरिल ने तो फिलहाल आरुष और शैरिल के लिए बादाम शेक और सॉफ्टी बनवाते हैं. तो अभी फ़िलहाल भैया जो है बादाम शेक और सॉफ्टी बना रहे हैं. तो गुड मॉर्निंग गाइस, रात को थोड़ा सा लेट हो गया था फिर मतलब व्लॉग एंड नहीं कर पाया. हम लोग लगभग 11:30 बज गए थे. खाना तो वहाँ पर मिला था फिर मुझे दोबारा भूख लग गई तो हम थोड़ा सा खाना लेके भी आए थे उन्होंने दे भी दिया था हमें तो फिर मेरे को भूख लग गई तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना फिर खाया. अभी थोड़ा पर्दा डाला हुआ है ना इसलिए रेड रेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रही है. सुबह सुबह का टाइम है तो अभी क्या है कि आज है सैटरडे और अभी हमें फिर एक मीटिंग के लिए निकलना है लीडरशिप मीटिंग के लिए. वो अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग जब स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा. तो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड. मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग ज़रूर आपको पसंद आया होगा. पसंद आया है तो आपको लाइक शेयर कमेंट करके जाना है, बगैर कमेंट करके या लाइक करके मत जाना. और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि हम ऐसे ही आपको व्लॉग दिखाते रहें और जो भी हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम आपके साथ एज ए फैमिली शेयर करते रहें. तो हमारा ज़रूर से चैनल आप सब्सक्राइब करो. तो अभी लेट हो रहे हैं, फ़िलहाल 10:30 हो गया है तो जल्दी मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ. जल्दी क्या मिलेंगे, दोबारा मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना है. तो फिर मिलते हैं और ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, टेक केयर, बाय बाय. अरे रुको रुको रुको, अभी नहीं जाना. एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दोबारा आया हूँ. इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आपके जानकार में कोई भी लोग जो काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, सब इलाज कर लिया, दवाई खिला दी, डॉक्टर को दिखा दिया और किसी भी तरह की डिज़ीज़, किसी भी तरह की परेशानी, बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई होप नहीं है, तो जो है एक हीलिंग प्रोग्राम हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ये डाल दूँगा, आप देख लेना. 29 अक्टूबर को एक हीलिंग प्रोग्राम है जिस चर्च में हम जाते हैं वहाँ पर. स्पेशली उन लोगों के लिए प्रेयर होगी जो लोग काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, परेशान हैं. तो अगर आपके जानकार में कोई भी है तो आप ज़रूर भेजें. और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं और जो है मैसेज भी कर सकते हैं तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूँगा. एक बार मैं कन्फर्म करा देता हूँ, 29 अक्टूबर को 11 बजे से ये सर्विस स्टार्ट होगी. तो आना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ये इन्फॉर्मेशन ताकि किसी भले इंसान की मदद हो सके और वो तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सके. तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड. जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ. टेक केयर, बाय बाय.